महू नीमच फोर लेन पर स्थित चंबल नदी पर नहाने गए दो बच्चे पानी में डूब गए थे, जिनके शव पुलिस ने नदी से ही बरामद कर लिए हैं। इन शवों की तलाश में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पुलिस टीम रात से ही बच्चों को तलाश रही थी। रविवार सुबह एक बच्चे का शव सबसे पहले नदी से फूलने के कारण बाहर तैरता हुआ आ गया था, वहीं दूसरा शव SDRF की टीम ने पानी से ही खोज निकाला है। इस तरह से नदी में नहाने गए दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। इधर शव नदी से बाहर आने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाया है, सबको PM के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इन बच्चों के साथ तीन बच्चे और थे जो अब सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस उन बच्चों सहित परिवार के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, ताकि हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आ पाए। जानकारी के अनुसार ग्राम उपड़ी के कुछ बच्चे चंबल नदी पर नहाने के लिए गए थे। हालांकि बच्चों ने अपने अपने घरों पर झूठ बोला था। इधर शनिवार दोपहर से गायब हुए बच्चे देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिवार के लोग घाटा बिल्लौर चौकी पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने जितेन पिता कैलाश की रिपोर्ट पर अपहरण की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। रिपोर्ट में जितेंद्र ने बताया कि उसका बेटा चेतन उम्र 13 साल घर से बाहर जाने का बोलकर निकला था। 3 घंटे तक नहीं लौटने पर चेतन के दोस्त अजय पिता अनिल के घर जाकर पूछताछ की तो वह भी अपने घर पर नहीं था। ऐसे में क्षेत्र से कुछ दो बच्चे गायब हुए थे। इन बच्चों के अन्य दोस्तों ने जब परिजन से पूछताछ की तो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इधर रात के समय परिजनों सहित पुलिस ने पूरे क्षेत्र में बच्चों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान घाटा बिल्लौत पुलिस को सूचना मिली कि चेतन के कपड़े व चप्पल चंबल नदी के किनारे मिले हैं। ऐसे में पुलिस परिजनों को लेकर मौके पर पहुंची, जहां पर परिजनों ने टी-शर्ट के माध्यम से पहचान की, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर मछुआरों सहित गोताखोरों के माध्यम से रात 11 बजे तलाश शुरू की। हालांकि काफी मशक्कत के बाद अजय का शव पानी से अचानक फूलने के कारण बाहर आ गया। इधर रविवार सुबह एक बार पुनः चेतन के लिए तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आने के बाद SDRF की टीम मौके पर 9:30 बजे पहुंच गई, जिसके माध्यम से ही अब दूसरे बच्चे की तलाश शुरू की गई है। करीब 3 घंटे बाद चेतन का शव भी मिल गया है। चौकी प्रभारी उन्नी प्रतीक शर्मा के अनुसार परिजनों ने बच्चों के घर नहीं लौटने की सूचना दी थी, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। चंबल नदी में से दोनों के शव मिल गए हैं।